हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टेडिया इक्विकेडियन स्वागत है। आज आपके लिए पंचायती राज एलडीसी भर्ती जो 2013 में निकली थी दोस्तों, उसी की न्यूज आपको बताने वाला हूँ। महत्वपूर्ण खबर है, विद्यार्थियों के लिए बुरी खबर, यानी कि विद्यार्थियों को बड़ा झटका लगा है। तो क्या है वो जानकारी आपको बताऊँगा। 10,029 पदों पर भर्ती का इंतजार था विद्यार्थियों को। 2013 की जो भर्ती थी उसी को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस भर्ती की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे, पर दोस्तों आज बड़ा झटका इनको लग चुका है। 21 मार्च की न्यूज है, संयुक्त सचिव ने लिखा पत्र। तो चलिए पूरी जानकारी देख लेते हैं दोस्तों, आज की क्या न्यूज है इस भर्ती को लेकर के। तो चलिए आपको जानकारी बता देता हूँ। यहाँ पर जो भी जानकारी है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, जानकारी है एलडीसी 2013 के अभ्यर्थियों को झटका। जयपुर पंचायती विभाग की एलडीसी भर्ती 2013 में खाली पड़े 10,029 पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थियों को झटका लगा है। विभाग ने इस भर्ती को पूर्ण होना माना है और विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता को लिखे पत्र में कहा है कि इस भर्ती में कार्यग्रहण नहीं करने से 10,029 पद रहे थे खाली। तो दोस्तों ऐसा कहा गया है सचिव की तरफ से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि इसका काम 6 महीने तक चलता है, उन्होंने बताया। चले और भी एक न्यूज है यहाँ पर, जो कि उपेंद्र यादव जी ने यहाँ पर जानकारी दी है। पंचायती राज विभाग की एलडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों को झटका। क्या जानकारी है देखिएगा, जयपुर पंचायती विभाग की एलडीसी भर्ती 2013 में खाली पड़े 10,029 पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को झटका लगा है। विभाग ने इस भर्ती को पूर्ण होना माना है। विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता को लिखे पत्र में कहा गई भर्ती कार्यक्रम नहीं करने से 10,029 पद खाली रहे थे। इन पदों पर प्रतीक्षा सूची 6 माह तक ही वैध रहती है, यह समय निकल चुका है इसलिए भर्ती पूर्ण हो चुकी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल इन 10,029 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया था। इसके बाद पिछले साल मई जून में भर्ती के लिए कैलेंडर तक जारी कर दिया गया था। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव का कहना है कि विभाग ने निर्णय से बेरोजगार को निराश हाथ लगी है। मुख्यमंत्री को इस मामले में दखल देकर खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, यदि इन पदों को भरा नहीं गया तो आपके लिए सीधे सीधे 10,029 पद खाली हो जाएंगे इस विभाग में, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या में खाली हो जाएंगे। और यदि इनको इस प्रकार नहीं भरा गया तो इसकी नई विज्ञप्ति निकालनी पड़ेगी, 10,029 पद खाली चले गए। ये आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। यदि ऐसा नहीं होता है तो नई भर्ती के लिए आप सोच सकते हो कि यह पद आपके लिए तैयार हो जाएंगे। और यदि ऐसे भर दिया गया तो इन विद्यार्थियों के लिए खुशियां जरूर होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। ऐसी अपडेट हमारे चैनल द्वारा सही समय पर और सटीक जानकारी मिलती रहेगी। यदि आपको ये नोटिस लेने हैं या आपको कटिंग लेनी है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी एकेडमी के नाम से मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ओके लिंक, तो उसे आप जा करके फॉलो कर सकते हो।